नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं अब विस्तार में। सहनी का मोदी को खुला चैलेंज। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर यूपी में हैं। यूपी यात्रा के दौरान लोगों ने खासकर महिलाओं और युवाओं के मिल रहे समर्थन से मुकेश सहनी उत्साहित हैं। वो रैलियों और सभाओं में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सन ऑफ मल्ला बनाम निषाद राज, बिहार से यूपी मिशन पर मुकेश सहनी, पूर्वांचल में सन ऑफ मल्ला की एंट्री, संजय निषाद खेमे में खलबली। सहनी व संजय दोनों का वोट बैंक एक यानी निषाद समुदाय। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कब विरोधी हो जाए कहा नहीं जा सकता। 2024 से पहले राजनीति के कुछ ऐसे ही रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 में एनडीए के रथ में सवार रहे बिहार के सन ऑफ मल्ला यानी मुकेश सहनी ने पूर्वांचल में पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। यहां उनका मुकाबला योगी कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से है। वजह है कि दोनों का वोट बैंक एक ही यानी निषाद समुदाय है। जाहिर है कि मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्ला कहलाना पसंद करते हैं, वहीं संजय निषाद खुद को निषाद राज कहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी पूर्वांचल में एक्टिव हो गए हैं। चंदौली बलिया से लेकर गाजीपुर में संकल्प यात्रा कर रहे हैं। चुनाव से पहले यूपी के पूर्वांचल में सन ऑफ मल्ला बनाम निषाद राज दिख रहा है। वह यहां तक दावा करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पहली बार सन ऑफ मल्ला के बेटे की बदौलत बना है। संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का और साथ चाहिए तो आरक्षण को लागू करना पड़ेगा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। डॉक्टर संजय निषाद को परिवारवादी पार्टी का नेता बता रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े, निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, बिन बेलदार का लुनिया मरा का बेटा अपने हर अधिकार के लिए संघर्ष है। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखे। वो नहीं चाहता है कि बिन बेलदार लुनिया मरा का बेटा कलेक्टर बने, एसपी बने, दरोगा बने, एसडीओ बने, लेकिन ये सोचना आपको है कि अपने बच्चे को किसके लिए लड़ाई लड़ना है। साथियों, तो इसलिए साथियों आगे बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ रहना पड़ेगा। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। एक तरफ विपक्ष लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। और आपको और हमको क्या चाहिए? ना आपको प्रधानमंत्री बनना है ना ही हमको बनना है। आपको आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। और जहाँ आरक्षण मिलेगा तो यूपी बिहार झारखंड के 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, उनके चेहरे पे खुशी आ सकता है। और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि दिल्ली वाले आप देखिए, अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि सबका हक चुनाव लड़ना है, अपनी बात को रखना, हमारा परिवार समाज के साथ है। हमने विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा निषाद समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। आरक्षण की मांग को लेकर हमने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार मुलाकात की है। हम समाज को आरक्षण लागू कराकर ही दम लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों मुकेश सहनी का रथ गाजीपुर जिले में पहुंचा था। मुकेश सहनी ने गाजीपुर में संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला। सबसे पहले यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद पर हमला करते हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार का ठिकरा निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर फोड़ा।
कहा कि वह सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, समाज की उन्हें कोई चिंता नहीं है। खुद मंत्री हो गए, बेटे को सांसद और विधायक बनाकर सेट कर दिया। संजय निषाद समाज के दम पर बड़े नेता हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जैसा नेता बनना है तो उनको मेरे साथ काम करना चाहिए। वे साथ आए तो हम लोग समाज के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन वह मोदी को भगवान मानते हैं, और अगर वह मोदी को भगवान मानते हैं तो समाज के लिए आरक्षण भी मांगना चाहिए। दरअसल बिहार की सियासत से पिछले 9 महीने से साइडलाइन वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। 26 जुलाई से वह निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। वह अपने 100 दिनों की यात्रा में वह बिहार और यूपी के 80 जिलों की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वह निषाद जाति के लोगों को गंगा जल की सौगंध दिला रहे हैं कि वह लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे, अपने भविष्य और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उनके साथ एकजुट रहेंगे, उनका साथ देने वाले घरों के आगे स्टिकर भी चिपकाएंगे। मुकेश सहनी के मुताबिक वह इस तरह सरकार पर निषाद समुदाय को ओबीसी कैटेगरी से निकालकर एससी कैटेगरी में शामिल करने का दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही यात्रा पूरी होने के बाद वे पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 4 नवंबर को तय करेंगे कि उन्हें किस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। बता दें कि गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद केवट मल्ला बेलदार और बिंद बिरादियों में अच्छा असर माना जाता है। इसके अलावा गोरखपुर देवरिया महाराजगंज जौनपुर संत कबीर नगर बलिया भदोई और वाराणसी समेत 16 जिले में निषाद समुदाय के वोट